लालू रावड़ी जी के शासन में बिहार में हुए एक सौ अठारह नरसंहारी घटनाओं का पहले तेजस्वी जवाब दें पति पत्नी के शासन काल को लोगों ने ऐसे ही जंगल राज नहीं कहा लूट हत्या बलात्कार अपहरण से पति पत्नी के शासन काल में कोहराम मचा हुआ था लेकिन दसवीं फेल तेजस्वी थे में पी कर रहे हैं अपने माता पिता के पापों पर पर्दा डालने से कुछ छिप नहीं सकता आज भी राजद सत्ता में आता है तब अपराधी घटनाओं में बेतहासा वृद्धि हो जाती है क्यों इससे साफ पता चलता है कि अपराधियों से राजद का पुराना साठ घाट रहा है नमस्कार अब देख रहे दृष्टि न्यूज में आपके साथ मानसी मिश्रा बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए रू को झकझोर देने वाले विगत अपराधी कांकड़े को रखा उन्होंने लिखा कि अगर इन डरावनी घटनाओं के आंकड़े को देखकर भी आपको बिहार में सब कुछ सही दिखाई दे रहा है तो मतलब सब ठीक है कृपया इन विगत घटनाओं पर अवलोकन कीजिए जिसमें उन्होंने उन्नासी लगभग घटनाएं अपराधी घटनाएं रखे हैं जिसमें हत्या से लेकर लूटपाट की घटनाएं भी शामिल है जिसपे बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झूठे आंकड़े पेश करके तेजस्वी यादव गुमराह करना चाहते हैं तेजस्वी यादव के इन झूठे आंकड़ों के चक्कर में बिहार की जनता नहीं पड़ने वाली है साथ ही उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव और रावड़ी जी के शासन काल में एक सौ घटनाओं का जवाब दे तेजस्वी यादव सुनिए क्या कुछ कह रहे बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र झूठे आंकड़े पेश कर तेजस्वी जी किसे गुमराह करना चाहते हैं तेजस्वी जी के झूठे आंकड़े के चक्कर में बिहार की जनता नहीं पड़ने वाली तेजस्वी जी को अपने माता पिता के शासन काल के आपराधिक घटनाओं के आंकड़े बिताने में शर्माती है क्या लालू राबड़ी जी के शासन में बिहार में हुए नरसंहारी घटनाओं का पहले तेजस्वी जी जवाब दें शिल्पी गौतम हत्याकांड की याद कर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है सिवान में चंदा बाबू के बेटों के साथ क्या हुआ उस घटना के पीछे कौन था पति पत्नी के शासन काल को लोगों ने ऐसे ही जंगल राज नहीं कहा लूट हत्या बलात्कार अपहरण से पति पत्नी के शासन काल में कोहराम मचा हुआ था लेकिन दसवीं फेल तेरस में पीएचडी कर रहे हैं अपने बिहार के, के लोग एक एक कारण जानते हैं लालू राबड़ी के शासन काल में दलित शोषित सामान्य समुदाय के लोगों का कत्याम मच गया था इसके लिए कौन जिम्मेदार था आज भी राजद

पापों पर पर्दा डालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं लालू यादव और रावड़ी जी के शासनकाल में दलित शोषित समान के समुदाय के लोगों का काद्यम मचा हुआ था इसके लिए कौन जिम्मेदार है ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे दृष्टि न्यूज के साथ धन्यवाद